एक मिनट क्या कहना चाहोगे? हाँ, हम जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं और ये उत्तर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मेला है और 7 तारीख से 11 तारीख तक ये मेला आयोजित किया जाएगा और इसमें हर तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनोवेटिव फार्मर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, पासपोर्ट का भी एक मेला लगेगा, फूलों फलों और सब्जियों का एक प्रदर्शनी लगेगी, जो हमारे जो जानवर पालक हैं, जो पशु पालक हैं, उनके लिए पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे बच्चे हैं 10+2 में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में एज ए प्रोफेशन क्या क्या संभावनाएं हैं उन पर चर्चा होगी। मेडिकल के क्षेत्र में वहाँ पर जो हमारे विजिटर्स होंगे उनके लिए वैक्सीनेशन की, ब्लड टेस्टिंग की ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होंगी। जो ग्रामीण हमारे जो स्पोर्ट्स हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बच्चों के लिए वो आयोजित किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, बीज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं और हमारे फलों की जो सैपलिंग हैं उन सब की जो है वहाँ पर बिक्री की जाएगी और जो किसान भाई दूर दराज से आ रहे हैं उनकी जो खेती बाड़ी से संबंधित समस्याएं हैं वो गोष्ठी के आयोजन के माध्यम से वो सॉल्व की जाएंगी और एक तरह से ये हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, गृहिणी हो, चाहे फार्मर हो, सबके लिए ये मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये वर्चुअली भी होगा और जो लोग नहीं आ पाते हैं और जो फिजिकल है वो भी होगा और 6-7 राज्यों से हमें किसानों की कन्फर्मेशन। 7 तारीख को हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं रूपाला जी केंद्रीय मंत्री हैं, 7 तारीख को वो आ रहे हैं, 8 तारीख को हमारे एलजी महोदय हैं। समय क्या रहेगा? समय क्या रहेगा? एलजी महोदय 11 बजे इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और मेले का उद्घाटन करेंगे और इनोवेटिव फार्मर्स जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका उद्घाटन कल 3:30 बजे 7 तारीख को 3:30 बजे माननीय रूपाला जी करेंगे जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं। 10 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO में स्टेट मिनिस्टर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, 10 तारीख को वो आ रहे हैं और जो बासमती राइस का सम्मेलन होगा उसका वो उद्घाटन करेंगे और मेले का समापन का भी वही उद्घाटन को समापन भी मेले का 10 तारीख को करेंगे, हालांकि मेला 11 तारीख तक है। तो ये 3 मंत्रियों का आशीर्वाद हमें इस मेले में मिल रहा है, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है।